नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज हम लोग बात करने वाले हैं आयुष्मान भारत कार्ड योजना के लिए। इस योजना में क्या फायदे हैं, इस कार्ड को बनवाना कितना जरूरी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है और इस कार्ड के माध्यम से हम कौन कौन से बीमारी का इलाज करवा सकते हैं, इन सब चीज़ को छोटा सा वीडियो में कवर करना सोचूंगा। और आप लोगों से मेरा एक विशेष आग्रह है कि अगर मेरा आप चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके, वीडियो देखने के बाद आप कमेंट करके विशेष जानकारी आप पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और अपने दोस्त नात रिश्तेदार तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इस कार्ड का लाभार्थी बने, उस कार्ड से लाभान्वित हों। देखिए, ये कार्ड जो है ना, अगर मान के चलिए आप इस वीडियो को नहीं शेयर कीजिएगा और उनके पास भी बनेगा ही, वो भी कहीं ना कहीं से जानकारी लेकर बना ही देंगे, आप बना देंगे, भेज देंगे तो उनको ले आए कि नहीं भाई, कम से कम मनमुटाव था, बात विचार नहीं हो रही थी, लेकिन बंदे ने ये चीज़ जो है हमको फिर भेजा, तो आपके प्रति जो कड़वाहट है वो थोड़ा सा कम होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आयुष्मान कार्ड योजना के लिए। आयुष्मान कार्ड योजना क्या है? ये एक भारत सरकार द्वारा 2018 में लॉन्च किया गया स्वास्थ्य चिकित्सा को ध्यान में रखते हुए गरीब परिवार को इस व्यवस्था से जोड़ने के लिए उन्होंने एक व्यवस्था को लॉन्च किया, उसका नाम है आयुष्मान कार्ड योजना। इसमें जो भारत सरकार होती है वो 60% वहन करती है। हालांकि जो भारत सरकार ने लॉन्च किया था तो उसमें उन्होंने कैलकुलेटिव एक राउंडली दे दिया था कि 5 लाख प्रति वर्ष हम खर्च कर सकते हैं एक कार्ड धारी पे। जिनका कार्ड बन गया है उनके या जिनके जिन जिन लोग उनसे जुड़े हुए हैं उनको हम 5 लाख तक हम फ्री में उनका इलाज करवाएंगे। अब इसमें ऐसे भी होते हैं कि घर का मुखिया का नाम एक है और बाकी 8-9 लोग और भी जुड़े हुए हैं, तो वे लेकिन वो सब लाभान्वित होंगे। जिन जिन का नाम है वो सब लाभान्वित, ऐसा नहीं कि मुखिया का तबीयत खराब हो गया तो उनका नहीं होगा, उनका दिखा दिए उसके बाद फिर बच्चे का तबीयत खराब हो गया तो बच्चे को नहीं दिखा सकते, ऐसा नहीं है, वो सबका है उसमें। तो जब हम इस योजना से हम जब जुड़ते हैं तब ये सारी बेनिफिट मिलती है। अगर हम इस योजना से नहीं जुड़ते हैं तो हमारी जेब ढीली होती है, या तो फिर जिनके पास पैसा है वो तो भाई राजा आदमी है, उनको इस कार्ड से तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन उस गरीब के बारे में सोच के देखिए कि जिनको घर फूटा है, जिनके घर से अभी भी बारिश में पानी चूता है, उनके पास 5 लाख रुपया इंस्टेंट परिवार को इलाज के लिए व्यवस्था करना कितना बड़ा पहाड़ है। तो खैर, बहुत सारी चीज़ें हैं, चलिए हम लोग इसके मेन इसके फायदे पे बात करते हैं। फर्स्ट टॉपिक पे थोड़ा चलते हैं वापस लौट के, क्योंकि सरकार जो 5 लाख जो खर्च कर रही है ना, ये 5 लाख खर्च कर रही है जो भारत सरकार पूरा पूरा नहीं कर रही है, मोदी जी ये पूरा पूरा नहीं करेंगे, या जो भी उस समय का सरकार होगी वही पूरा पूरा खर्च नहीं करेगा। इसको 60/40 में डिवाइड कर दिया गया है, 60/40, ये देगा राज्य सरकार, ये देगा भारत सरकार, ये देगा भारत सरकार, ये देगा राज्य सरकार। अब यहाँ पर कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि कुछ कुछ राज्य में लोग सोचते हैं कि ये भारत सरकार जो उस समय का था, मतलब जैसे मोदी जी थे अभी भी हैं, तो उन्होंने जब बनाया था, और हम इस योजना को अपने राज्य में एक बड़े पैमाने पे क्यों स्टार्ट करें, क्योंकि 40% मेरा जा रहा है ना, मोदी का हो रहा है, इसलिए बहुत सा जनता झूल रहा है, बेचारा परेशानियों का सामना कर रहा है और रात दिन गाली देता है नेता को, चाहे मोदी हो या कोई भी हो, वो गाली देगा। क्यों? क्योंकि उसको फायदा नहीं मिला। मिला किसको? जो इनके लिए काम कर रहा था, मोदी जी के लिए या जो भी सरकार थी उसके लिए काम कर रहा था, चमचा बना हुआ था, वो अपने आप को बनाया, 2-4 लोगों को और बनाया और बाकी लोगों को छोड़ दिया कि भैया जा। तो चलिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई भी हो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए कि जो उनके खास आदमी है, जो भी खास आदमी है, वो भूखे सो के भी उनके वोटर का पेट भरने का काम करे, वो सच्चा कार्यकर्ता होता है। बाकी लोग तो चमचा है जी, जो अपना पेट भर लिया है बाकी को छोड़ दिया है वो तो चमचा है, वो तो दोगला है। खैर छोड़िए, हाइपर हो जाएंगे। अब चलते हैं इसके फायदे के बारे में। क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने 60% और राज्य सरकार ने 40% एक आदमी को दे दिया। किस लिए? चिकित्सा व्यवस्था के लिए। पहले पैसा नहीं ट्रांसफर होता है, ये दिमाग से आप निकाल दीजिएगा कि हमने पहले पैसा निकाल लें, वैसा नहीं होता है, 30 दिन बाद पैसा आएगा।
खर्च जो है वो खर्च आपका सरकारी में कटता जाएगा और एक्स्ट्रा जो खर्च आपका बढ़ जाता है, जैसे आपका आने जाने का या जो बीमारी जिस आदमी को है उसी आदमी में फिर से अगर हम लगाते हैं एक्स्ट्रा पैसा, तो उसका हम एडिशनल हमारे पास वो पैसा आ जाता है। वो सारे चीज़ आपको बता देंगे, वो हॉस्पिटल में वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम लोग चलते हैं। फायदे हैं, हॉस्पिटल में जब भर्ती होने जाते हैं तो उस समय भी आपको एक भी रुपया नहीं लगेगा। हॉस्पिटल में बिस्तर पर बिस्तर जो मिली है हॉस्पिटल में उसका भी एक रुपया नहीं लगेगा। आहार खाना वो भी फ्री रहेगा। चिकित्सा सुविधा वो भी फ्री रहेगा। जाँच की सुविधा वो भी फ्री रहेगा। डिस्चार्ज होने के 10 दिन तक, ध्यान दीजिएगा, डिस्चार्ज होने के 10 दिन तक जो उसका कवर होगा, जो आदमी परेशान है, जो बीमार है, उसका सरकार वहन करेगी। और ये सब पैसा मोटा मोटी आया था 30 दिन के अंदर में आपके खाते में आ जाएगा। 30 दिन के अंदर अंदर ही आ जाएगा, 30 दिन तो डेडलाइन दिया हुआ है। खैर, तो ये सारी चीजें आपको मिलेगा। अब बात करते हैं, एक छोटी सी और भी टॉपिक ले लेते हैं इसी में, इसी से जुड़ा हुआ है। इसमें जो है 25 प्रकार की चिकित्सा जो सुविधा है वो 25 प्रकार की चिकित्सा सुविधा है। अब इसमें जो सुविधा है उसके अंदर बीमारी कितने होंगे, अगर हम 25 कैटेगरी में बांट दिए, अगर हमने पेट का मान लिया, हमको पेट में दर्द हो रहा है, तो भैया पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन पेट में क्या है क्या नहीं है, एक बीमारी है कि 10 बीमारी है, सबकी इलाज इसके अंतर्गत होगा। ऐसा नहीं है कि एक बीमारी है, हम गए पेट दिखाने और पेटे दिखा के आ गया, बाकी जो दर्द है वो बन ले है बाकी जगह का, ऐसा नहीं है। इलाज होगा, प्रॉपर होगा, और करवाइएगा भी तो प्रॉपर करवाइएगा, छाती पे चढ़ के करवाइएगा, क्योंकि आपको आपका वोट का कीमत है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब इसमें जो है 25 प्रकार में 1390 प्रकार की बीमारी को कवर किया गया है। जैसे सर दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है किस कारण से कर रहा है, सर में कितने बीमारी होंगे वो हो गया। हाथ दर्द कर रहा है, हाथ टूट गया है तो एक जगह टूटा है, तो ऐसा नहीं कि डॉक्टर एक ही जगह बैंडेज मार के आपको भेज दिया कि भैया हम तो एक ही जगह करेंगे, नहीं, जितनी जगह टूटी है, मतलब इसको ऐसे कवर अप किया गया कि छोटे छोटे बीमारी का एक थोड़ा सा बड़ी कैटेगरी में कर दिया है, 25 कैटेगरी में कर दिया, उसके अंदर में सारी बीमारी को कवर अप किया है, जिसका 1393 ऐसे तो कैलकुलेटिव करो तो 1393, लेकिन 1310 बीमारी यानी 1400 मान के चलो, 1400 बीमारी का इलाज जो है वो भारत सरकार का जो ये योजना है इसके अंतर्गत आसानी से हो जाता है। अब इसको बनवाने के लिए कागजात की जरूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है कि हम गए जी और बना दीजिए आयुष्मान भारत कार्ड, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए आपको मुख्य जो कागज है, मुख्य जो सबसे महत्वपूर्ण कागज जो है वो है आपका राशन कार्ड। राशन कार्ड होना जरूरी है। राशन कार्ड में जितने परिवार का नाम है उतने परिवार का आधार कार्ड होना भी जरूरी है। उसके बाद सबका स्थायी पता तो पता ही होता है, उसके बाद बैंक पासबुक भी होना जरूरी होता है, सब परिवार का आधार कार्ड तो आपको बताई दिया, आधार कार्ड भी, ये सारी चीजें हैं। मोबाइल नंबर आप एक दो यूज कर सकते हैं, कोई सुनिए, लेकिन मोबाइल नंबर वैसा व्यक्ति का है जो जिसका नाम पहले नंबर पे है, उसका मोबाइल नंबर होना जरूरी है, और उसका आधार कार्ड से लिंक भी होना जरूरी है, क्योंकि OTP आएगा तो आधार कार्ड का जो लोग OTP आएगा, जब आप अंगूठा लगाएंगे तो OTP आएगा आपके नंबर पे, आपका नंबर आधार कार्ड से अगर अटैच नहीं है तो उसको अटैच करवा लीजिए, क्योंकि OTP नहीं आएगा और ये आधार आयुष्मान कार्ड जो है वो आपका नहीं बनेगा। तो इसलिए कागज की क्या जरूरत थी, खुद का स्थायी पता, मोबाइल नंबर, जो OTP जिस पे आता हो, एक OTP होता है कि मैसेज किए वो भी पैसा डाले वो भी, उसका भी OTP गिर रहा है, कोई भेज रहा है OTP, वो OTP अलग है, ठीक है, लेकिन जो ये आधार कार्ड से इंक्लूड जो नंबर है उसका OTP महत्वपूर्ण है। तो अगर आपका पास आधार कार्ड वाला वो मोबाइल नंबर नहीं है जो OTP नहीं, तो उसको नंबर या तो चेंज करवा लीजिए या तो आधार कार्ड में वो नंबर को जुड़वा के और पुनः OTP गिराने के लिए उसको बनवा सकते हैं, सुधार करवा सकते हैं आधार कार्ड को। उसके बाद है राशन कार्ड। राशन कार्ड जो है इसमें आपको सभी परिवार का राशन कार्ड, आप देखे होंगे अगर आपके पास राशन कार्ड होगा तो राशन कार्ड में सभी परिवार का एक फोटो सटा हुआ रहता है, जिस जिसका राशन कार्ड में नाम है उसी का, जिस जिसका नहीं है उसका नहीं, तो उन सब का होना चाहिए आधार कार्ड और उन सब का होना चाहिए फोटो भी और अस्थाई पता तो सबके होगा ही, मोबाइल नंबर एक दो से भी चल जाएगा, बैंक पासबुक भी होना चाहिए। अब चलते हैं कि इन सब को करने के बाद हम
ये चलो आपका ये चीजें तो बन गई। अब होता है इलाज के समय जो समस्या, उस समस्या पे हम बात करते हैं कि इलाज जब हम करवाने जाते हैं तो उस समय क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है। बहुत से लोगों का ये चीजें आई है, हमने करीबन 3-4 स्टेट में हमने घूमा है और लगभग 40-50 जिला से ऊपर जिला हमने घूमे हैं और गांव में भी घूमा है। हमारा काम कुछ और भी था, मतलब सोशल टाइप का ही था, लेकिन हम लोगों से जानकारी जब मिलती थी ना तो उनसे हम बैठ के बातें जब छेड़ते थे तो ये सारी चीज़ें निकल के आती थी और अभी भी है, वो चीज़ें विद्यमान है। हम बात करते हैं क्या चीज़ें होती है। जैसे आप हॉस्पिटल में गया ये लेके, आयुष्मान कार्ड लेके, कि भैया हमारा पेशेंट है उसका इलाज करवाना है, क्या है जी जाओ वहाँ करवाओ तो, जी हमारे पास आयुष्मान कार्ड है। पहले जो आपने बोला ना आयुष्मान कार्ड है, उस समय उसको सबसे बड़ा शॉट लगेगा, अरे भैया फ्री वाला आ गया। भैया फ्री वाला नहीं आए हैं, हम वोट दिए हैं, हमारा अधिकार सरकार ने सुनिश्चित किया है तब हम आए हैं, नहीं तो हम दूसरा हॉस्पिटल में भी जाते। ठीक है, ये चीज़ें हैं। उसके बाद ये तो चलो वहाँ पे थोड़ा सा बाताबाती होगा, लेकिन वहाँ पे कर लीजिएगा। हॉस्पिटल में बिस्तर के लिए परेशानी हो जाएगी, आपको बिस्तर नहीं मिलेगा। अब बिस्तर मिलेगा तब जब आप, जब तक आप जूता चप्पल नहीं तोड़ दीजिएगा, जब तक दीदी रे, भैया रे, बाबू रे, ताऊ रे, ताता रे, दादा रे नहीं करोगे, जब तक कहीं कहीं के सिस्टम थोड़ा सा ठीक है तो कहीं कहीं बहुत अच्छे तरीके से होता है, भेदभाव नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर चिकित्सा की सुविधा, चिकित्सा की सुविधा आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं उससे रिलेटेड जो भी व्यवस्था उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को करना है या उस हॉस्पिटल को करना है जो इसके अनुसार वो देख रहे हैं, तो उनको उस सुविधा का पूरा सुविधा मुहैया कराना होगा। जांच की भी, जैसे कहीं कहीं क्या होता है ना कि आप, अब चलते हैं जांच वाले पे, कहीं कहीं क्या होता है ना कि जब आप हॉस्पिटल में गए ना तो वहाँ पे बोलेंगे कि बाबू एक्सरे करवा लाओ, तो एक्सरे जब कराने जाएंगे हॉस्पिटल में तो हॉस्पिटल का मशीन हो जाएगा खराब, मशीन जो हो जाएगा खराब, या तो फिर ये जो मशीन को चलाने वाला ऑपरेटर है वो चला जाएगा छुट्टी पे। मतलब कि ये तो एक्सरे की बात बता दिया, अल्ट्रासाउंड में भी सेम सिचुएशन है, सेम स्थिति है। ये हॉस्पिटल में, लगभग हॉस्पिटल में यही चीजें हैं। कहीं कहीं की सरकार बहुत अच्छी ध्यान देती है तो सारी व्यवस्थाओं से संपूर्ण होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आप हर एक चीज को जो खोज रहे हैं वो हॉस्पिटल में मिल जाए, बहुत कम मिलता है। इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, चाहे जो भी सरकार है, राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो, चाहे जिसके अधीन जो भी हॉस्पिटल चल रहा है, उनको ये व्यवस्था को सुनिश्चित करना चाहिए। उसके बाद जांच सुविधा की जो भी हो गई, अगर जांच आपने बाहर से करवाया तो उसका रिपोर्ट लाके और आयुष्मान कार्ड वाले जो जहाँ पे जैसे बिल जुझा रही है उसके साथ दे दो, आपके पास वो 30 दिन के अंदर में पैसा आ जाएगा। अब होता है चौथा पांचवा क्या है, डिस्चार्ज होने की 10 दिन तक कवर। जैसे आप अपने पेशेंट को लेके चले गए, अब उसका 10 दिन तक खान पान जो उस हॉस्पिटल का मेन्यू है, वो दवाई बीरो जो भी है, जो डॉक्टर वहाँ पे उनको दे रहे थे, जो व्यवस्था वहाँ पे था, उसका कवर का भी पैसा सरकार वहन करती है। अब चलिए एक बात करते हैं, थोड़ा सा इसके लिए थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा चल लेते हैं, क्योंकि पूरी जानकारी आपको मिलनी जरूरी है। जैसे 5 लाख मान के चलिए कि मेरे को 5 लाख मिल गया, ये तो कार्ड मिल गया, कार्ड से मिल गया 5 लाख। अब हमने इलाज करवाए जिसमें लग गया हमको 3,20,000, ठीक है, इतना लग गया। अब मेरा जो है 1,80,000, ये हमारा इसी कार्ड के तहत हमारे नाम का जमा है। अब हमने जैसे साल भर के अंदर में हमने ये चीजें करवा ली, हमारा ये भी बचा हुआ है। अब जैसे दूसरा साल होगा, जैसे ये तो हो गया पहला ईयर का, अब जैसे दूसरा साल में, तो दूसरा साल में ये नहीं है कि आपको ये जो बचा हुआ रकम है ये यहाँ जुड़ जाएगा या फिर यही वाला आपको यहाँ उतर जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको फिर से पांच लाख है, यही चीज फिर से दूसरा साल आ गया। तीसरा साल में अगर मान के चलिए ये नहीं, आपने इस दूसरा साल में आपकी बीमारी नहीं हुआ, आपने भी इलाज नहीं करवाया, तो कोई बात नहीं, ये वाला 5 लाख ये नहीं है कि शिफ्ट हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये शिफ्टिंग प्रोसेस है और एड वाला प्रोसेस है, ऐसा नहीं है। आपको फिर से पुनः वही रिन्यू हो रहा है, तीसरा साल 5 लाख। अब देखिए थोड़ा सा मैं बीजेपी की तारीफ कर दूं, कुछ लोग
बहुत गुस्से होते हैं। खैर जैसे ये 5 लाख है ना बॉस, कुछ लोग बोलते हैं कि हमें 15 लाख चाहिए मोदी से, जो मोदी बोला था कि 15 लाख चाहिए। 15 लाख आपको क्यों मिलेगा? सबने वोट दिया था, फर्स्ट थिंग, सबने अगर वोट देता तो मोदी सच में 15 लाख दे भी सकता था, लेकिन सबने वोट दिया नहीं दिया। खैर अब जैसे ही आपने ये तीन अपने घर में, आपके घर में 3 पेशेंट हैं, 3 पर्सन आपका बीमार हो जाता है साल, 2 साल, 3रे साल में, तो 5 × 3 15 लाख मिल गया ना। अगर 4 पेशेंट हो गया तो ये रकम बढ़ भी गया। तो भाई साहब बोलने वाले लोग होते हैं ना, जो ऊंचे कैटेगरी के लोग होते हैं, उनके पास में पैसे हैं वो बोलते हैं, ठीक है, लेकिन जिनके पास में पैसा नहीं है वो बेचारा सुनते हैं, ठीक है, लेकिन सुनने वाला ज्यादा चालाक होता है, क्योंकि वो उसको पता है कि नब्ज कहाँ पकड़ना है, इतना देर से चिल्ला रहा था अब इसकी आवाज कहाँ से बंद करनी है, ठीक है। खैर इतना तक समझ गए, जो भी चीजें इसमें आपको समझ में आया हो, ना समझ में आया हो, तो आप कमेंट, मेरा जो वीडियो अपलोड होगा उसके कमेंट में आप जाके पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, विशेष जानकारी मैं आपको और भी रिप्लाई करके दे दूंगा। बाकी जो मेरा वीडियो है इसको आप लोगों तक शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी इस योजना का फायदा मिले, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरा नया चैनल है, ठीक है। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।